नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए अटने की शिकायत लिए दो पीड़ित महिला नगर निगम कार्यालय पहुंची और निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान से मुलाकात कर उचित कार्यवाही और पैसे वापस दिलाए जाने को लेकर आवेदन सौंपा। सोनिया फतरोड ने बताया कि इटावा निवासी जीतू चौहान, जो कि नगर निगम में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है, जीतू चौहान ने नगर निगम में नौकरी लगवाने का झांसा देकर मुझसे 80,000 रुपए की मांग की और बहकावे में आकर पैसे दे दिए। जीतू चौहान के द्वारा नगर निगम कार्यालय के दस्तावेज पर वेतन पर रखने का लेटर भी मुझे दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक नौकरी पर नहीं रखा गया। इसी प्रकार जीतू चौहान ने आवास नगर निवासी महिला सीमा पाटीदार से 25,000 और उनके पति शैलेंद्र पाटीदार से 10,000 रुपए नौकरी के नाम पर लिए हैं। महिलाओं ने बताया कि जब हम पैसे लेने जाते हैं तो उसके द्वारा गाली गलौज, अभद्र व्यवहार कर जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित महिलाओं ने निगम आयुक्त से मांग की है कि हमारे साथ धोखाधड़ी करने वाले युवक पर कड़ी कार्यवाही करते हुए पैसे वापस दिलाए जाए। अच्छा, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पैसे मिल जाए बस, और तो उसकी नौकरी भी जाना चाहिए हाथ से, क्योंकि वो बहुत जनताओं के पैसे खा चुका है और उसका रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। जितने आपको फोन लगाया था अच्छा चौहान की शिकायत देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।